अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कल यानी गुरुवार को भी अपनी जांच को जारी रखा है। बताते चले कि नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड के संचालक हलास चौधरी व सहयोगी राजीव कुमार चौधरी तथा समिति के मंत्री छोटेलाल चौधरी से पूछताछ की। वहीं बताते कि फरार चल रहे राहुल यादव के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गैर जमानती वारंट हासिल करने का फैसला किया है। वहीं राहुल यादव कथित तौर पर पत्थरों के अवैध खनन सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी जल्द ही प्रभात कुमार शर्मा की विशेष पीएमएलए अदालत से राहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए संपर्क करेगी। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी ने साहिबगंज जिला पुलिस को राहू यादव से संबंधित इनपुट साझा करने को कहा है। वहीं राहू यादव सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का करीबी है और वह कथित तौर पर पत्थरों के अवैध खनन और परिवहन में शामिल है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा फिलहाल जेल में है। राहू यादव को 18 जुलाई से लापता है। वह आखिर में बार रांची के ईडी के कार्यकाल में आया था। 19 जुलाई को उसने ईडी को सूचित किया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल के लिए उसे अचानक साहिबगंज जाना पड़ेगा, लेकिन उसने ईडी को आश्वासन दिया था कि मां की तबीयत ठीक होने के बाद वह वापस आएगा, लेकिन हालांकि उसके बाद से वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसके बाद से वह गायब भी हो गया। वह साहिबगंज जिले में किसी सुरक्षित ठिकाने पर बताया जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो साथ दे रहे हैं उसमें कई नेता लोग शामिल हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में इनको फरार करने में सीएम हेमंत सोरेन का हाथ है? बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।